बिग बॉस 13 में दो दिन से चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों को दी जाएगी एक बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त घर में बचे हैं टॉप 7 कंटेस्टेंट शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, रश्मि देसाई, आरती सिंह, पारस छाबरा और माहिरा शर्मा। तो चलिए जानते हैं कौन है बिग बॉस सीजन 13 के टॉप 5 फाइनलिस्ट, किस कंटेस्टेंट ने जीता है तीसरा एलीट क्लब मेंबरशिप टास्क, कौन हुए हैं इस हफ्ते नॉमिनेट और कौन होगा एलिमिनेट इस वीकेंड, और कौन कौन से कंटेस्टेंट जाएंगे कल होने वाले मॉल टास्क में। आज के एपिसोड में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा वहीं पे बिग बॉस सभी जर्नलिस्ट से कहेंगे कि वोटिंग के थ्रू वे किसे बनाना चाहते हैं घर का तीसरा एलिट क्लब मेंबर। वहीं ज्यादातर मीडिया रश्मि देसाई को वोट करके जिताएंगी। जी हां, बिग बॉस हाउस का तीसरा एलिट क्लब मेंबर है रश्मि देसाई। वहीं आपको बता दें कि 6 फरवरी यानी कि गुरुवार को होने वाले मुंबई में मॉल टास्क में तीनों एलिट क्लब मेंबर्स यानी कि आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई जाएंगे। ये टास्क होगा मुंबई के गोरेगांव स्थित ओबेरॉय मॉल में दोपहर 2 बजे से, जहां मौजूद पब्लिक करेंगी रश्मि देसाई, सिद्धार्थ और आसिम में से अपने किसी फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट। जीतने वाले कंटेस्टेंट को यहाँ सीधे सीधे मिलेगा टिकट टू फिनाले। साथ में आपको ये भी बता दे कि बिग बॉस ने इस वीक किया है घर के सभी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट, जिसमें से पूरे चांसेस है माहिरा के मिडवीक एविक्शन के और आरती या पारस के वीकेंड पे एविक्शन के, जिसके बाद हमारे पास बच जाएंगे टॉप 5 फाइनलिस्ट जो होंगे शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, रश्मि देसाई और पारस छाबरा, या फिर आरती सिंह जैसे कि वे अब तक आगे बढ़ती आ रही है। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप आरती या पारस में से किसे देखना चाहते हैं टॉप 5 में, और क्या रिएक्शन है आपका रश्मि देसाई के एलीट क्लब मेंबर बनने पे। प्लीज कमेंट एंड लाइक द वीडियो।